पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी द्वारा एक जिला सब कमेटी का चयन किया गया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी भी मौजूद रहे और उन्होंने पंचायती राज चुनावों और शहरी निकाय चुनाव की रोस्टर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए पंचायती राज चुनावों और शहरी निकाय चुनावों की रोस्टर सही तरीके से जारी नहीं किया गया है। वहीं इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री क्षेत्रराम ने सभी लोगों से आग्रह किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सही उम्मीदवार का चयन करें ताकि पंचायतों का विकास हो सके। सबसे पहले मैं हाईकमान का धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिनके दिशा निर्देश भी हुए हैं कि पंचायती जो चुनाव है, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है वो आने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाई जाए, सब कमेटी बनाई जाए ताकि उनके दिशा निर्देशों के अनुसार वहाँ पे चुनावों में कैंडिडेट का चयन हो, मजबूत कैंडिडेट दिए जाए। तो आज हमने हाईकमान के दिशा निर्देश अनुसार हमारे सहयोगी चेतराम ठाकुर और हमारे दूसरे साथियों के माध्यम से आज जिला मंडी सब कमेटी का चयन किया गया, जिसमें हरिंदर सैन को हमने सब कमेटी का अध्यक्ष चुना और उसके साथ हमारे प्रताप राणा जी हैं, देवेंद्र जी हैं, यादविंदर जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, रिंपल चौधरी हैं, तरुण ठाकुर हैं, या प्रेम कुमार गुड्डू हैं, रिंकू चंदेल जी हैं, गुरुमुख जी हैं, इन सब को नरेश जी हैं, वाईपी कपूर जी हैं, इन सब को हमने सदस्य बनाया। 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया और साथ में ही हमने जो जिला मंडी के ब्लॉकों के माननीय अध्यक्ष हैं उनको भी इस कमेटी का माननीय सदस्य बनाया, ताकि इन सभी की देख रेख में हम जिला मंडी का जो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव है इनकी देख रेख में किया जा सके। हमें दुख है थोड़ा सरकार के माध्यम से जो रोस्टर का चयन हुआ उसमें हम विरोध भी करेंगे सरकार का, और जिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से जो रोस्टर बना है वो हमारी फेवर में नहीं हुआ। हमारे जो कैंडिडेट थे, जो मजबूत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कांग्रेस के, उनको उनकी सीटों को जहाँ से वो मजबूती से चुनाव लड़ते थे उनको रिजर्व कर दिया या दूसरी कैटेगरी के लिए रिजर्व किया। इन्होंने अपने कैंडिडेटों के लिए जहाँ इनके मजबूत कैंडिडेट थे उनके लिए सीट रिजर्व रखी गई, रिजर्व था रिजर्व, महिला थी महिला। और ऐसे भी कुछ ऐसी सीटें थी जहां चार चार पांच पांच छः छः बार उनको फिर रिजर्व किया गया, जो पहले 3 बार थी उसको 4थी बार, जो 4थी बार थी उसको 5वीं बार, जो 5वीं बार थी उसको 6थी बार। और ऐसी स्थिति भी कई जगह आई जहां एक भी रिजर्व का, जैसे इन्होंने ओबीसी के लिए बीडीसी की सीट रिजर्व की, तो एक मैं शमलौन पंचायत को बताता हूँ जहाँ एक भी व्यक्ति ओबीसी का नहीं है परंतु सीट को ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया। ऐसी प्रॉब्लम कई जगह है, ऐसी बहुत सी जिला मंडी में, क्या मंडी से बाहर हिमाचल प्रदेश के दूसरे जिलों में। हमें सरकार से भी नाराज किया, सरकार को निष्पक्ष भाव से रोस्टर तैयार करना चाहिए थे जिसमें समानता से सब आए, चाहे वो कांग्रेस के लोग जीते, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, चाहे वो दूसरी पार्टी के लोग जीते। निष्पक्ष आधार से जो राजनीति में आता है वो बखूबी अपना काम बड़ी सूझबूझ से करता। हम भी चाहते हैं कि अगर प्रधान हमारे जीते तो
तो गरीब लोगों के लिए जिन्हें काम की आवश्यकता है, जरूरत है, वो अपनी इससे काम करें। तो इसलिए हमने आज कमेटी तैयार की और हम बड़ी मजबूती से पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ेंगे, अपने लोगों का जिताने का प्रयास करेंगे, जिताएंगे। हमें ठीक है, हम चाहते हैं, मैं बल से संबंधित हूँ, मैं बल से चुनाव लड़ता हूँ, परंतु आज जिला मंडी का मैं अध्यक्ष होने के नाते पूरी मंडी का मेरे ऊपर दायित्व है और यह दायित्व है जिम्मेवारी हमने हरिंदर सेन को, जिसकी अध्यक्षता में चुनाव किए जाएंगे जिला मंडी के, और जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों का निर्णय भी इस कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। ये जो